थाना और पुलिस दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनते ही आम व्यक्ति के दिल में पुलिस का एक कठोर रूप ताज़ा हो जाता है। मगर पब्लिक के सामने खाकी का एक नया चेहरा पेश करते हुए जिले के एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने अन्य पुलिसकर्मियों के सामने भी एक नज़ीर पेश की है। आपको बता दें कि आमतौर पर अवकाश का दिन जहां पुलिस अधिकारी अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है, वहीं मेरठ एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने आज अपना संडे बेसहाराओं के बीच बिताया है। वहीं समाज के हर व्यक्ति को अपना परिवार बताते हुए अन्य लोगों को, बेसहारा जो लोग हैं, उनकी मदद के लिए आगे आने की अपील की। सर, आज एक मेरठ पुलिस का नया चेहरा सामने आया है। अब तक अपराधियों के पीछे भागते थे, आज अनाथों के साथ में अपने संडे स्पेशल बना लिया है अपना, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये इन बच्चों के साथ थोड़ी सी एक जो फीलिंग होती है मानवता के दृष्टिकोण से, इनसे मिलने जुलने का जो एक सुख मिलता है वो अलग है। यहाँ पर जो लोग सेवा भाव कर रहे हैं वो पूरे मानवता के नज़रिए से सेवा भाव कर रहे हैं, इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। यह देख के सुखद लगता है कि ये फीलिंग है और यहाँ पर आने पर अंदर से इच्छा होती है कि इनसे प्रेरणा लिया जाए और जो परित्यक्त हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनके साथ समय बिताना अपने आप में एक सुखद एहसास देता है और लगता है कि सच्ची मानवता की सेवा की दिशा में उठाया हुआ कदम है। सर, आज संडे है, ज़्यादातर सरकारी ऑफिसर सोचते हैं फैमिली के साथ अपना घूमेंगे, मॉल में जाएंगे। आपको ये ख्याल कैसे आया कि अनाथों से भी मिलना जरूरी है? नहीं, पहले भी मैं अन्य जिलों में जब नौकरी करता था तो वहाँ पर भी इस तरह का मतलब जानकारी हो जाती थी, तो वहाँ पर मैं जाता रहता था। यहाँ पर परसों हमारी बात हो रही थी एसओ सदर बाजार से, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर भी एक ऐसा है, तो हमने फिर तय किया कि संडे को हम वहाँ पर जाएंगे। अब बस इसी लिहाज से मैं यहाँ चला आया। और हमारा परिवार क्या, हमारा परिवार तो पूरी सोसाइटी है, उसमें अशक्त हैं, निर्बल हैं, संपन्न भी उसमें आते हैं, तो पूरी सोसाइटी, इंटायर सोसाइटी का जो भी पार्ट है, वो किसी भी लेवल के हों, वो सब हमारे हिस्से हैं। ख़ास तौर से इनसे तो केवल और केवल मानवता का हमारा संबंध है, मानवता की दृष्टि से हम यहाँ आए हैं और यहाँ आके अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब सेवा भाव रहता है तो उसमें और कुछ नहीं रहता है, सिर्फ मानवता, सिर्फ सेवा भाव और सिर्फ इंसानियत। और इंसान के नाते यहाँ आया हूँ, न कि किसी अधिकारीपन के भाव से आया हूँ या किसी पब्लिक सर्वेंट के भाव से आया हूँ।